नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर लाऊंगा। ये आपका जो पेपर है, ये आपका वर्ष 2014 का रेलवे ग्रुप डी का पेपर है और यह आपका जो है कोलकाता का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? कोलकाता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 100 के बीच डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके जो कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों यदि मैं मैथ के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूं तो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा शेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो प्रतिमा आपका किसने बनवाई थी? ठीक है, तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा बनाई थी दोस्तों, आपका आंसर है डी चामुंडा राय ने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको यदि पीडीएफ चाहिए होगा तो क्या बोलते हैं, 1K लाइक जब इस वीडियो में रीच कर जाएगा, मतलब 1000 जब वीडियो लाइक रीच हो जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पूरे पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम नेटवर्क में ये ऐसे ही आपका अवेलेबल है, हो जाएगा कुछ ही देर में। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी आपका नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वह आपका भारत में नहीं है, बल्कि तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत जो आपका है चीन में, वहाँ पर एक मानसरोवर नाम का जगह है, उसके नीचे उसके सामने आपका एक जगह है जिसका नाम है आपका राकस ताल। ठीक है, राकस ताल, वहाँ से आपका जो है सतलज नदी आपका निकलती है। ठीक है, और यह आपका सिपकिला दर्रा के पास से हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि आपका निम्न में से कौन से जोड़े का मेल सही नहीं है? ठीक है, मतलब बांध दिया हुआ है और झील दिया है, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है गोविंद सागर झील सतलज पे, कोलेरू झील कावेरी पे, उकाई कुंड ताप्ती पे और वुलर झील झेलम पे। तो इसमें जो दोस्तों आपका सही नहीं है वह है आपका बी। ठीक है, गोविंद सागर जो झील है आपका सतलज नदी पे सही है, उकाई कुंड आपका ताप्ती पे सही है, वुलर झील जो आपका झेलम में है ये भी सही है, लेकिन कोलेरू झील जो आपका कावेरी वाला है यह आपका गलत है। यह कावेरी नदी पे नहीं बल्कि आपका गोदावरी नदी पे है। कहाँ पे? गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर दिए हैं। अगला है आपका कि भारत में मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने का बीच के महीने कौन से हैं? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपका जो है, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक मानसूनी जलवायु वाला जो है एक देश है, तो यह जो शुरू होता है दोस्तों, यह आपका सी जून से लेकर सितंबर तक, जून में आपका शुरू होता है। ठीक है, समाप्त होते का जो आपका महीना है वह आपका सितंबर। ध्यान रखिएगा, जून में शुरू होता है मानसून भारत में और सितंबर में आपका ख़त्म हो जाता है। सी आंसर है 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और सूची के नीचे दिए गए संकेतों का इस्तेमाल करके सही जवाब चुनें। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, आपको बताना है कि कौन सा जगह आपका कहाँ पे है, आपको सही बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर देखिए, ये रहा, यहाँ पर आपको मिलान कराना है। इसका आंसर है दोस्तों आपका 5 का बी होगा। ठीक है, ए जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद है बी का 4 होगा, ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है आपका? यूएसए यानी अमेरिका में है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है। अगला है लेक विनीपेग यानी सी का, लेक विनीपेग कहाँ पे है आपका? लेक विनीपेग जो है आपका वो कनाडा में है। और बचा कौन? सदर्न अल्पस
ये आपका कहाँ पे है, आपका न्यूजीलैंड में है। फिर से देख लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट ग्रैंड कैनियन जो है आपका यूएसए अमेरिका में है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन वाला, लेक विनीपेग आपका कनाडा में है, और सदर्न अल्पस जो है आपका वो न्यूजीलैंड में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 का। अगला है कि आपका अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना आपका स्थापना किया था, ठीक है। वो कौन से मुगल शासक थे कि जिनके परमिशन के बाद आपका सूरत में अंग्रेजों ने आपका कारखाना स्थापित किया था। आंसर है आपका 6 का, बी जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने आपका जो है फरमान जारी किया था ताकि अंग्रेज लोग सूरत में अपना पहला कारखाना आपका स्थापित कर सके। अगला है, उस ब्रह्मांड का नाम बताइए जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। तो वो ब्रह्मांड का नाम है आपका डी मिल्की वे। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड का नाम है जहाँ पर पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है आपका, ये उस समय का करंट अफेयर था वर्ष 2014 का, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता में भारत ने हाल में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में बृहत्तम अर्थव्यवस्था के तहत कौन सा स्थान आपका अर्जित किया है। ये वर्ष 2014 का आपका जो है क्या बोलते करंट अफेयर था। तो क्रय शक्ति क्षमता में भारत ने हाल में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बृहत्तम अर्थव्यवस्था के तहत कौन सा स्थान अर्जित किया। आंसर है था आपका ए, तीसरा बृहत्तम अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका जो है बृहत्तम अर्थव्यवस्था का स्थान अर्जित किया था। अगला है आपका क्वेश्चन कि किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में 21 मई 2014 को शामिल किया गया था, ठीक है, वो कौन सा बैंक है। तो आंसर है आपका बी, भारतीय महिला बैंक, ठीक है। भारतीय महिला बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में 21 मई 2014 को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला है, ये देखिए ये भी आपका करंट अफेयर है वर्ष 2014 का। वर्ष 2014 में विंबलडन टेनिस ओपन में पुरुषों की एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देख लीजिए, वर्ष 2014 में विंबलडन टेनिस ओपन में पुरुषों की एकल श्रेणी, ध्यान रखिए एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता था। आंसर है आपका बी, नोवाक जोकोविक, ठीक है, बी आंसर है इसका, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है आपका कि आपका उद्घाटनी स्टार प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट को किस कबड्डी लीग टीम ने जीता है, ठीक है। उद्घाटन जो आपका स्टार प्रो कबड्डी था, ठीक है, जिसमें हॉट स्टार और स्टार के जो आपका कबड्डी जो एक लीग चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा वर्ष 2014 में, तो उस समय आपका जो है टीम के जो आपके विजेता थे वो कौन थे। आंसर है आपका सी, जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स इसका आंसर होगा। अगला है, ठीक है, अगला है आपका उस भारतीय का नाम बताएं जिसने आपका 28 अप्रैल 2014 को वर्ष 2014 के लिए गौरवान्वित आपका गोल्ड मेडल एनवायरमेंटल पुरस्कार जीता, जिसे आमतौर पर ग्रीन नोबल कहा जाता है। वे कौन भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 2014 में ग्रीन आपका जो है नोबल पुरस्कार जीता था, जिसे आपका गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है आपका 12 का बी, रमेश अग्रवाल, ठीक है, रमेश अग्रवाल थे वे, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, अमर भारतीय महाकाव्य महाभारत का लेखक कौन है, ठीक है। तो महाभारत जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसके लेखक जो है आपका ही ऋषि वेदव्यास है, ठीक है। अगला है, हिंदू धर्म के पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है। तो हिंदू धर्म का जो पारंपरिक प्राचीन नाम है वह सभी को पता है, सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। अगला है कि संगीत निर्देशक RD बर्मन, ठीक है, RD बर्मन के बारे में आप सभी लोगों को लगभग पता ही होगा कि खालिस्तान के नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से आपका जाने जाते हैं। तो आंसर है आपका पंचमदा, बी आंसर है, पंचमदा के नाम से जाने जाते हैं RD बर्मन साहब। अगला है आपका आईफा, ठीक है, आईफा अवार्ड 2014 में किस फिल्म को विभिन्न श्रेणियों में सबसे अधिक पुरस्कार मिला है।
तो आंसर है सबसे ज़्यादा आईफा फिल्म फेयर जो आपका फिल्म अवार्ड 2014 में सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में मिला है दोस्तों, वह है आपका बी भाग मिल्खा भाग, ठीक है, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल अदा किए थे आपका जो है। अगला है आपका मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, ठीक है, मान फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि है वह है आपका डी फीमर, ठीक है, फीमर जो आपका जांघ की हड्डी। अगला है सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है, सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है आपका ए संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में, ठीक है, ये है हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसे लड़ते हैं। अगला है भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, ठीक है, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर आपका रिसर्च होता है जिसका नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री, ये आपका कहाँ पर स्थित है, आंसर है आपका ए अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, देखिए सौर ऊर्जा जो है किसके कारण उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा जो है आपका नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया द्वारा आपका उत्पन्न होती है, और सिर्फ सौर ही नहीं बल्कि तारे का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है ये आपका संलयन प्रतिक्रिया ही है। अगला है आपका ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन देखिए रीजनिंग के हैं, ठीक है। अगला है देख लीजिए, ये जो है एक व्यक्ति ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, 1200 एक सामान खरीदा है, ठीक है, और आपका 20% देख लीजिए, 1200 का जो आपका 20% होगा क्या होगा, वो माइनस कर देना है, ये हो जाएगा तो हो जाएगा 240 रुपया, जब 1200 में 240 रुपया हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी 960, ठीक है। अगला ये देखिए आयु से क्वेश्चन पूछा गया, पिता की आयु अपने पुत्र रोहित की आयु की 3 गुनी है, 8 वर्ष के बाद उसकी आयु की 2.5 गुनी होगी, 8 वर्ष के बाद उसकी आयु रोहित की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 24 का, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका, 24 का आंसर होगा बी, ठीक है, इसका मैंने बताया 23 का डी होगा, 22 का जो आंसर होगा वह होगा आपका, 22 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका बी, ठीक है, 15 किलोमीटर। अगला है आपका जो 21 का जो आंसर होगा वह होगा आपका, 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी दक्षिण, ठीक है, माफ कीजिएगा। अगला है आपका देखिए ये 25 का क्वेश्चन ये मैथ का है, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो है आपका फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका 3√5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 माइनस हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस जो √5 √5 × √5 हो जाएगा 5, तो 49 माइनस 90 आपका 45, तो मत 49 माइनस आपका जो है 45 बचेगा आपका 4, और उसका वर्गमूल पूछा है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखिए ये बताना है कि यदि इतना बड़ा इतना प्लस इतना इस बराबर इतना, तो अब इस एक्स वाई के मान बताना है, क्या करना है आपका, ऑप्शन से अडॉप्ट कर लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर अडॉप्ट कर लीजिए, यदि दोनों को करने के बाद यदि आपका 0 आता है तो वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, वाई के वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं 1 हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, 2 - 2 = 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 1 = 2, तो 3 में यदि 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 = 0, तो ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका जो है 0 आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, एक लड़के की तस्वीर की इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र के आपका जो पुत्र सुरेश के लड़के के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ये आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है, इसका जो आंसर है 27 का वह हो जाएगा आपका डी पिता, ठीक है, क्या बोल रहा है कि वह मेरी माँ के पुत्र, माँ का पुत्र का मतलब भाई, ठीक है, उसके पुत्र हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका पिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, वह मेरी पोती के भाई की एकमात्र पुत्री है। महिला का जो अभिजीत के साथ क्या संबंध है? 28 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, 28 का आंसर होगा आपका डी, सॉरी डी होगा, माँ होगा संबंध, ठीक है। अगला है, ये देखिए सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मैं यदि सॉल्व कराता रहा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। 29 का आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए आपके सारे रीजनिंग के हैं, देखिए आपका, देखिए लाइन से स्क्वायर बनता है तो आर्क से क्या बनेगा? सर्किल बनेगा, ठीक है। ये देखिए आपका फ्रूट जो आपका बनाना है तो मैमल्स यहाँ पे क्या है, 32 का जो आंसर है वो आपको पूछा गया है, तो मैमल्स क्या हो जाएगा? मैमल्स यानी स्तनधारी होता है, ये काव जो है आपका स्तनधारी है। दो संख्याओं का जो आपका औसत जो है आपका इतना है, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है। देखिए अर्थ और सन, तो मून क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अर्थ। कैसे? देखिए सन के चारों ओर अर्थ जो है आपका राउंड लगा रेवोल्यूशन करता है, और ठीक इसी तरह जो अर्थ के चारों ओर आपका मून घूर्णन करता है। अगला है आपका लुप्त संख्या बताइए, देखिए दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है। अंग्रेजों के शब्दकोश में निम्न कौन सा चौथे स्थान पर आएगा आपको बताना है, बी आंसर होगा, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? 38 का आप इसको देख सकते हैं, 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 38 का आंसर डी हो जाएगा, मार्शल माफ कीजिएगा। अगला है ये 39 का, देखिए आपका जो है औसत चाल का क्वेश्चन है ये, 39 का, 39 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 71.11 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों यदि मैथ के क्वेश्चन कराते रहा। यदि आप लोग मैथ के क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, यदि ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक 5 मिनट में आपका 600 लंबी मीटर की गली को पार करता है, उसका किलोमीटर घंटा में क्या होगा? बी आंसर होगा इसका। हाल ही में ये देखिए 2014 के चुनाव से क्वेश्चन आया था, हाल ही में घोषित आम चुनाव 2014 के परिणाम में तीसरा सबसे बड़ा दल कौन रहा है, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा जो दल रहा है वो आपका सी है, AIADMK नाम का कोई एक पार्टी है, वो तीसरा सबसे बड़ा दल था। अगला है, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान केंद्रीय मंत्री 19 अक्टूबर 2014 की तिथि के अनुसार कौन है? आंसर है आपका डी, स्मृति ईरानी, ठीक है, उस समय का ये करंट अफेयर। अगला है, करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उस राज्य का नाम बता जिसने हाल ही में राज्य में आपका समाज कल्याण योजना के अधीन अम्मा सॉल्ट की आपका जो है शुरुआत किया था, ये उस समय के करंट अफेयर है। आंसर है आपका बी, तमिलनाडु। भारत के मध्य से कौन आपका महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है? आंसर है आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा को जैसे विटामिन के जो आपका होता है क्या काम करता है, तो आंसर है आपका ए, रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा आपका जो एक रोग है जो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति संक्रमित होता है, यहाँ पर देखिए संकेत के अनुसार आपको सही जवाब देना है, तो आंसर है आपका एड्स जो होगा ये आपका संक्रमित से फैलता है, एक एड्स है, एक है आपका हेपाटाइटिस और एक है आपका सिफिलिस, ठीक है, 1, 3 और 4 यानी बी आंसर होगा, एड्स, हेपाटाइटिस और सिफिलिस नाम का जो बीमारी है, ये तीनों ही बीमारी आपका संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आपका जो है फैलता है। एक सामान्य पेंसिल में जो आपका HB पेंसिल होता है, एक आपका B पेंसिल होता है, तो HB पेंसिल जो होता है उसका क्या मतलब होता है? तो आंसर है आपका हार्ड ब्लैक, ठीक है। आपका जो है सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मारा, ये आपका तो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मारा, तो अर्जुन देव को जिन्होंने मारा था वो आपका कौन से मुगल सम्राट है, क्या आपको पता है? इसका आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, बी जहांगीर, ठीक, जहांगीर ने। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष आपका जो है समान की व्याख्या देता है, यानी सभी लोग समान है,
समता का जो है यानी समानता का आपका व्याख्या करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है 49 का। तो आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 14 या फिर अनुच्छेद नंबर 14, ये बताता है। ठीक है, अगला है आपका आपका जो है संविधान सभा का निर्वाचित आपका जो है राष्ट्रपति कौन थे, संविधान सभा का निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही होगा कि उस समय सबसे पहले संविधान सभा गठित किया गया था, उस समय कोई चुनाव नहीं था, और फिर उस संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति घोषित किया था। शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट किससे संबंधित है, आंसर है बाल विवाह से। ठीक है, अगला है लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक शक्ति यानी आपका जो सबसे ज़्यादा जो सीट मैक्सिमम सीट कितना कितना है, लोकसभा के लिए आंसर है 552 और राज्यसभा के लिए आपका 250, आंसर हो जाएगा बी 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। ठीक है, अगला है कि विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है, तो एसी का अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट होता है, डीसी का। ठीक है, ये देखिए निर्माण इकाइयों को उसके स्थान के साथ आपका जो है बिठाएं कि कौन सा आपका कहाँ पे है, तो चितरंजन आपका लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपका जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है दोस्तों, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों वह है आपका आपका तमिलनाडु में। ठीक है, व्हील एंड आपका जो है एक्सेल जो हमका व्हील एंड एक्सेल जो बनाया जाता है वो आपका कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में। और रेल कोच फैक्ट्री जो आपका है पंजाब कपूरथला में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। ठीक है, अगला है भारतीय प्रतिरक्षा का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो आंसर आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। प्रिज्म में आपका जो वर्ण रंगों के जो बिखराव को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जो एक प्रिज्म होता है इसमें जो हम लोग शीत प्रकाश करते हैं तो आपका जो वर्ण का विक्षेपण हो जाता है, आंसर हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। आवर्त सारणी में आपका जो सबसे पहला तत्व कौन सा है, आंसर आपका ए हाइड्रोजन। ठीक है, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला आपका निम्न में से कौन सा सिरका का मुख्य उत्पादन है, तो आंसर है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका का व्यावसायिक नाम आपका एसिटिक एसिड है। यूनेस्को का क्या तात्पर्य या फिर यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें, देखिए एबीसीडी, तो यूनेस्को का जो आपका फुल फॉर्म है वह है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सी आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन है 61 का, देखिए विख्यात यात्री अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था, 61 का आंसर, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, विख्यात यात्री अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, एक मैं आपका जो है ऑप्शंस इसमें डाल देता हूँ, नॉन ऑफ डीज। ठीक है, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, मुझे देखना है आप लोगों में से कितना लोगों को पता है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु क्या है। ठीक है, 62 क्वेश्चन, 62 का आंसर है आपका सी 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और आपका उच्च न्यायालय जो स्टेट वाला होता है उसमें जो न्यायाधीशों की जो सेनावृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो आयु होती है आपका 62 वर्ष होता है। ठीक है, अगला है सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है, आंसर है आपका सूर्य मंदिर जो आपका कोणार्क में है, ए आंसर होगा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे कम है, आंसर है आपका सिक्किम का। शून्यकाल कब से शुरू होता है संसद में, तो शून्यकाल आपका शुरू होता है दोपहर 12 बजे से, बी आंसर है। महिला राष्ट्रीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उस समय का बात था दोस्तों, वर्ष 2014 की बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर है आपका सी ललित कुमार मंगलम। ठीक है, ललित कुमार मंगलम वर्ष 2014 के महिला राष्ट्रीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं, एक आपका आतंकवादी संगठन आईएसआईएस द्वारा मारे गए अमेरिकी पत्रकार का क्या नाम है, तो आंसर है आपका जेम्स फेले। ठीक है, बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 था। ठीक है, तो अगला है आपका गरीबों के लिए बैंक खाता चालू करने के सुविधार्थ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी आपका योजना लागू की गई थी या चालू की गई थी? तो सभी को पता होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी। अगला है, इनमें से कौन लोकसभा में कभी विरोधी दल के नेता आपके नहीं रहे थे? आंसर आपका डी अरुण जेटली। राष्ट्रपति आपका जो निलायम राष्ट्रपति स्थल कहाँ पे स्थित है? आंसर आपका हैदराबाद में। ठीक है, अभी दोस्तों ये आपका कहाँ पे है? आपकी आपका तेलंगाना जो है आपका स्टेट में पड़ता है ये। ठीक है, अगला है आपका सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य यानी टेम्प्रेरी जो आपका मेंबर होता है उसकी कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आंसर आपका 2 वर्षों के लिए जो आपका होता है टेम्प्रेरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्प्रेरी मेंबर्स होते हैं उसकी अवधि 2 साल के लिए। राज्यसभा के सदस्य आपका खालिस्तान के द्वारा निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? आंसर आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के जो विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला है, लोकसभा की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी। और आपका राज्यसभा के सम्मेलन की जो आपका अध्यक्षता क्या बोलते हैं आपका उपराष्ट्रपति जो आपका सभापति करते हैं। अगला है, राज्यसभा के विरोधी दल का वर्तमान नेता वर्ष 2014 के अनुसार कौन है? राज्यसभा के विरोधी दल का जो वर्तमान नेता वर्ष 2014 के अनुसार कौन है? आंसर है आपका बी गुलाम नबी आज़ाद जी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को खालिस्तान द्वारा महात्मा कहा गया यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? आंसर है डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर आपका जो माइकल ओडायर की हत्या आपका जो है किसने किया था? तो सभी को पता होगा ए उधम सिंह ने किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया जो मीडिया थी उस कंपनी की स्थापना किसने किया था? आंसर ए बेनिट कोलमैन एंड कंपनी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 200 वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बोर लगने लगेगा ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाए। अगला है, पंचायत के सदस्य आपका खालिस्तान द्वारा मनोनीत या फिर आपके निर्वाचित होते हैं? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है आपका बी संबंधित प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों द्वारा। ठीक है, अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है आपका 5 जून। डी आंसर होगा। किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है? आंसर आपका सी महाराष्ट्र। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 40% बढ़ जाए तो देखिए आपका 40% जो है ना वो आपका 2/5 होता है। ठीक है, यानी बोल रहा है 40% बढ़ जाए यानी पहले आपका कीमत क्या था? 5 था, पहले बढ़ के 2 बढ़ गया यानी 7 हो गया। ठीक है, अब उसकी खपत कितनी में होगी? तो देखिए पहले 5 था फिर 4 हो गया, कितने का डिफरेंस था दोस्तों? आपका 2 का डिफरेंस था। 2 का डिफरेंस कित में? आपका 7 पे, तो 100 पे कितना? तो आपका हो जाएगा 200/7। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला है आपका, इसी तरह देखिए 20% कम हो जाएगा तो एक गृहस्थी को अपनी खपत में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी? यानी पहले जो आपका दूध का मूल्य था 20% कम हो गया, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी पहले 5 था कम हो गया, 1 कम हो गया यानी 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया तो 1 की बढ़ोतरी किस पे? आपके 4 पे, तो 100 पे कितना? तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 25%, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये देखिए आपका एक आयु से क्वेश्चन आया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 22 वर्ष, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखिए आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको परिमाप निकालना है, 2a+b होता है आयत का परिमाप बराबर, इसको रख दीजिए आपका। किलोमीटर प्रति घंटा को आपको जो है किस में चेंज करना है? मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर (8) से फिर उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। अगला है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है घड़ी का, एक सटीक घड़ी पर 8 बज रहे हैं, समय आ रहा है, अब दोपहर को 2 बजे तक समय नजर आएगा तो घंटे की जो सुई है कितनी डिग्री घूम चुकी होगी? हम लोग जानते हैं जो एक घड़ी होता है उसमें टोटल 1 से लेकर 12 तक होता है और टोटल जो आपका राउंड अप रोटेशन होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 12 × 360 यानी 30 डिग्री, यानी प्रत्येक 5 मिनट में आपका जो है 30 डिग्री आपका जो है रोटेशन होगा। ठीक है,
तो 8 से लेके, देखिए 8 से लेके 9 1 घंटा, 9 से लेके 10 2 घंटा, इसी तरह करके यदि 8 से लेके 2 बजे तक कैलकुलेट करें तो 6 घंटा आपका जो है हो रहा है, और प्रत्येक जो है आपका 5 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है, तो 6 × 3 = 18, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। ये आपका देखिए जो है आपका SI का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है आपका, जो है टाइम दिया हुआ है आपका, जो है ब्याज ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, इससे इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो है ब्याज निकल जाएगा, इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का रेट डी 6%। ठीक है, अगला है आपका, देखिए ये आपका देखिए क्वेश्चन है, 25 लड़कियां आपका खो खो खेलना पसंद करती है, आपका 70 कबड्डी खेलना पसंद करती है, इसमें से कुछ खेलना आपका जो है दोनों खेलना पसंद करती है, यदि कुल लड़के 100 है तो केवल खो खो खेलना पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, अगला आपका कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने वाले एवं इसका उपयोग नहीं करने वाले, कुछ लोग होते हैं जो कंप्यूटर इंटरनेट उपयोग करते हैं और कुछ लोग आपका जो इंटरनेट और कंप्यूटर उपयोग नहीं करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है। आंसर है आपका डिजिटल डिवाइन के नाम से जाना जाता है। सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर एक कंप्यूटर है जो खाली स्थान से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करता है। आंसर है आपका डी क्लाइंट, सर्वर कंप्यूटर है जो क्लाइंट से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला कथन है देश के अभेद एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के फासलों पर ध्यान देने के लिए नेशनल आयुष मिशन का प्रारंभ किया गया, सही है। केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत कोष के माध्यम से स्वच्छ विद्यालय साफ सुथरे विद्यालयों अभियान की निधि प्रदान की, सही है। अगला है भारत बहुत ही जल्द प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत करेगी, सही है। हाल ही में सरकार ने HMT घड़ियों के लिए विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। आपको असत्य कथन करने चुनने के लिए बताया था, डी आंसर है। अगला है कि वर्ष बिहार में आपका जो है मुख्यमंत्री का नाम बता जिन्होंने आपका 20 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया था, वर्ष 2014 का आंसर है आपका सी जीतन राम मांझी। अगला है जून 2014 को कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, ये ध्यान दीजिएगा ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, ठीक है। आंसर है आपका कुंदनकुलम, ये आपके कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। काफ़ी देखिए करंट अफेयर पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, उन दो राज्यों के नाम बता जिनके बीच कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपका ट्रिब्यूनल आपका जो गठित किया गया है, तो 93 का आंसर ऑप्शंस देख लीजिए, 93 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए तमिलनाडु और केरल, ठीक है, तमिलनाडु और केरल के बीच। एक मिनट, 93 हो गया, नाइन्टी फोर। अगला है आपका 19 मई 2014 को कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक कंपनी पर आपका जो है आरोपित 630 करोड़ रुपए के आपका जो दंड को स्वीकृति दी, उस कंपनी का नाम बताए, उस कंपनी का नाम है DLF, ठीक है, ए आंसर है। फिर से देख लीजिए, 19 मई 2014 को कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक आपका जो है एक कंपनी पर आपका जो है आरोपित 630 करोड़ रुपये के दंड को स्वीकृति दी, उस कंपनी का नाम बताना है, आपका आंसर है DLF ए। अगला है इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ऑप्शंस देख लीजिए, 95 का आंसर क्या होगा, 95 का आंसर है दोस्तों आपका बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत की आपकी इस ऑप्शन में से सबसे लंबे समय तक आपके रहे। एफिल टावर कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, आंसर सभी को पता होगा सी पेरिस में। गलत मेल बताए, आपको गलत मेल बताना है कि आपका देखिए माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो बुक के राइटर महात्मा गांधी हैं, सही है, एम के गांधी आपके सही है, गीतांजलि आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, इसी के लिए इनको नोबल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी को। उसके बाद है आपका देखिए दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखा गया, इसका आंसर होगा डी, ये आपका डिस्कवरी इंडिया यानी भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया। अगला है हैरी पॉटर नाम की जो पुस्तक है वह आपका कड़िया किसने लिखा था, आंसर आपका J.K. रॉलिंग ने, ठीक है। अगला है आर्य समाज के आपका जो है संस्थापक या फिर किसके किनके द्वारा शुरू की गई थी, आंसर आपका सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा।
और राजा राम मोहन जी के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया। और आखिरी क्वेश्चन है, भारत का महावृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, आंसर है आपका बी, दादा भाई नरव जी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के और भी प्रीवियस ईयर के आपके वीडियो मैं पोस्ट करूँगा हमारे चैनल नौकरी जोन में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।